friends, welcome back to my channel. I am Prashant and today I'll teach you how to make a small cutter machine using this 12-volt DC motor. So without wasting your time, let's start the video. So first of all, I want to describe about the components that we're using in this video. So सबसे पहले हम एक DC motor की DC fan की एक पंखी लेंगे और उस पंखी से हम इस knob को तोड़कर निकाल लेंगे. तो हमने इस knob को निकाल लिया है. अब इस knob को एक हम बोल्ट लेंगे, इसके साथ इस तरह से रख कर और बेल्डिंग करवा लेंगे. तो हमने इसे बेल्डिंग करवा लिया है. अब चलिए आगे प्रोसीड करते हैं. तो हम इसमें पावर सप्लाई के लिए एक 12 वोल्ट का एसी टू डीसी एडेप्टर लेंगे जो कि मार्केट में मिल जाता है. तो हम इसके एक्सटर्नल बॉडी स्ट्रक्चर के लिए एक टी शेप बैंड लेंगे और तीन कटा हुआ पीवीसी पाइप. आप इसके साइज को अपने अनुसार काट सकते हैं और एक बॉटल का कैप लेंगे. तो इस कैप को हम इस मोटर में फिक्स करने के लिए तीन होल करेंगे, एक इस होल के अकॉर्डिंग और एक इसके और इसे एक इस होल के अकॉर्डिंग, जैसा हमने ड्रिल में किया था. अगर आपने ड्रिल वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां जाकर देख सकते हैं. तो चलिए हम इसको फिक्स करते हैं. ओवरलैप नहीं कर पा रहा है, मेरे पास इतना बड़ा कैप अवेलेबल नहीं था. तो इसको फिट करने के लिए हम एक और पीवीसी पाइप का टुकड़ा लिए हैं. मगर अगर आपके पास इसके ओवरलैपिंग के लिए कैप अवेलेबल हो तो आप उसको यूज करें, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होगा. सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए एक ये पुशअप स्विच लेंगे और एक पावर कनेक्शन के लिए एक 12 वोल्ट का डीसी सॉकेट लेंगे. के लिए डिफरेंट ब्लेड यूज करेंगे, जैसे ये वाली ब्लेड जो है दांत वाली, इसको बूट्स और प्लाईवुड के लिए यूज करते हैं और इसको पीवीसी पाइप वगैरह के लिए यूज करते हैं.